और भाई क्या हाल है सभी का, बताना ज़रूर क्या आप लोगों को MIUI 12 का अपडेट देखने को मिला या नहीं। नहीं मिला है तो कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं जिनका डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा क्योंकि बहुत सारे अपडेट को रोल आउट किया गया है कई सारे MI, Redmi और Poco के डिवाइसेज के लिए, जिनमें से कई सारे यूजर्स को मिला है और कई सारे यूजर्स अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अपडेट मिला या फिर अभी भी आप वेटिंग लिस्ट में ही शामिल हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो Poco F1 के लिए अभी तक 100% रोल आउट नहीं किया गया अपडेट, बट मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ जो कि 12.0.2 है। और ये जो कुछ कुछ यूजर्स को देखने को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, तो पर्सनली मुझे भी नहीं मिला था, बट मैंने मैनुअल फ्लैश किया TWRP का यूज करते हुए, लेकिन मैं अभी स्टॉक रिकवरी के ऊपर हूँ ना कि TWRP के ऊपर। और यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन आए दिन आते रहते हैं जो कि मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर ऑफिशियल न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जो MIUI का जो फॉर्म है इस पे डिटेल शेयर किया गया है जो कि 2 डेज ओल्ड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट अपडेट है 10/10/2020। तो ये 2 दिनों के बीच में कई सारे अपडेट निकल के आए हैं। तो ये जो साइट है यहाँ पे जो करीब करीब 1 से 2 डेज या 3 डेज के बाद अपडेट किया जाता है, तो इनके बीच का जो गैप है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। जिनमें से कई सारे का इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया हूँ, और फिर भी बहुत सारे जैसे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखते हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो इसलिए मैं आपको ये सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आवर्स पहले मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जिसमें कुछ शेड्यूल भी मेंशन किया है, लेकिन उसके पहले भी मैंने 3 आवर्स पहले कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर किया था कि किन किन डिवाइस के लिए कौन कौन से अपडेट रोल आउट किए गए हैं। तो पहले इस अपडेट के ऊपर नज़र डालते हैं, फिर शेड्यूल के ऊपर नज़र डालते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि MI का जो 10 प्रो है EEA कंट्री का, उसका 12.0.3 अपडेट आया है। MI Mix 2 का 12.0.1 आया है। Redmi के Note 7 Pro के लिए 12.0.1 का अपडेट अगेन रोल आउट किया गया है। जी हाँ, अभी तक 100% यूजर्स को नहीं मिल रहा है, पार्सली मिल रहा है, यानी करीब 50-30% यूजर्स को मिला है, फिर भी अभी पूरा 100% रोल आउट नहीं किया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट मिल गया है तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताना। नहीं मिला है तो आप वेट करो, या फिर आपका बूटलोडर अनलॉक है तो आप TWRP से फ्लैश कर सकते हो। सेम Redmi के Note 8 Pro के लिए 12.0.2 का अपडेट मिला है। उसका Note 9 ग्लोबल डिवाइस के लिए 12.0.4, Note 9 का EEA कंट्री के लिए 12.0.3 का अपडेट, Note 9 Pro Max के लिए 12.0.1 का अपडेट, Redmi के जो 6 Pro है इसको 12.0.2 का अपडेट मिला है, और ये अभी तक 100% यूजर्स को नहीं मिला है। तो बहुत सारे यूजर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब हमें देखने को मिलेगा, और उनकी गलती ये होती है कि भाई वो लोग स्टे ट्यून नहीं रहते हैं अपडेटर के अंदर या किसी भी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जिनकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा अपडेट कब रोल आउट किया गया है, वैसे में अपडेट मिस कर जाते हैं और फिर से वो रोल बैक चला जाता है, तो फिर से लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वॉच कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो भाई, मे बी आपके साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद आता है हमारा Redmi का 9 है जो कि 12.0.6 का अपडेट आया है। Poco F1 जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेंडमली किसी किसी यूजर्स को मिल रहा है सिलेक्टेड डिवाइसेज के लिए, जैसा कि मैं फिलहाल अभी यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनल नहीं मिला था। तो इस तरीके से आप अगर स्टे ट्यून रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अगेन आगे आते हैं लेटेस्ट और डिवाइसेज के ऊपर, तो आपको यहाँ पे मिलता है Poco का F2 Pro जिसके लिए 12.0.3 और 12.0.4 का अपडेट आया है जो कि ग्लोबल और EU कंट्री के लिए है। Poco X3 जो कि NFC वर्जन है ग्लोबल का, इसके लिए रोल्ड आउट हो गया है 12.0.3, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने शेयर किया है। उसके बाद Y2 जो कि 12.0.2 का अपडेट रोल आउट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी अपडेट आते हैं सभी का इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड लिंक मैं आपको देता रहता हूँ, तो चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं शेड्यूल के ऊपर और कुछ लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट है जिसमें केस 20 सीरीज को तो अपडेट मिल चुका है, जैसे K20 और K20 Pro। नोट का जो सीरीज है उसमें नोट 8 Pro को फुल्ली मिला है, नोट 7 Pro का भी पार्सली मिला है, यानी धीरे धीरे करके अपडेट मिल रहा है। और नोट 7 और नोट 7S का अभी भी जो टेस्टिंग वर्जन चल रहा है, यानी टेस्टिंग पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका भी एक अपडेट आया था जिसपे मैंने रिव्यू दिया था कि क्या कुछ हमें मिलेगा, लेकिन उसमें भी बग थे, आपने नहीं वॉच किया तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे नोट 9 को फुल्ली अपडेट मिल गया है, 6 प्रो का भी वही 50-80% के आसपास यूजर्स को मिला है, कुछ को अभी नहीं मिला है। नोट 9 प्रो को फुल्ली मिल चुका है, नोट 9 प्रो को अभी पार्सली मिला है, यानी 100% नहीं मिला है, लेकिन इसका भी डाउनलोड लिंक मैंने शेयर किया था। नोट 7S को है जब अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे कि हमने डेवलपर का जो टीम है टेस्टिंग बीटा प्रोग्राम वगैरह का वहाँ पे बात की है, लोगों की बातें सुनी है, तो पता चला कि भाई अक्टूबर तक मे भी मिल जाएगा, लेकिन कोई भी और इशू आता है या होलीडे आता है तो
तो फिर से टाइम एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये 100% श्योर नहीं है, बस एक अनुमान है ग्रुप के चैटिंग और लोगों के ओपिनियन को देखने के बाद कि 15 अक्टूबर तक शायद हमें देखने को मिल जाए। सेम वही है हमारा रेडमी के नोट 8 के बारे में भी है कि 15 अक्टूबर तक शायद मिल सकता है। पोको F1 जैसा कि मैंने आपको बताया पोको F2 को मिल चुका है, पोको F2 Pro को भी मिल चुका है। Redmi का जो Y सीरीज है इसके लिए Y2 और H2 के लिए भी पार्सल यूज किया गया है अपडेट, जो कि करीब करीब 50-30% यूजर्स को मिला है, बाकी को अभी तक नहीं मिला है। और Y3 को जो है एंड ऑफ अक्टूबर या नवंबर में हमें देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। इसके बीच में कई सारे डिवाइसेज आते हैं जैसे कि पोको M2, पोको M2 Pro, Redmi 9 Prime वगैरह, ये सारे जो डिवाइसेज हैं इनको अभी तक शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जो शेड्यूल आया था उसके बाद ये डिवाइसेज लॉन्च किए गए थे, तो इनको बीच में कभी भी अपडेट मिल सकता है विदाउट शेड्यूल के, या फिर मे भी इन फ्यूचर उसे शेड्यूल में फिर से मेंशन किया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी आएगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चाहते हो कि आपका भी कोई अपडेट मिस ना हो और आपको लंबा इंतजार करना ना पड़े। सो आज के लिए यही था इन्फॉर्मेशन, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और आप किस डिवाइस के यूजर्स हो और आपको अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कैसे MIUI 12 हम इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट TWRP को यूज किए हुए, यानी आप TWRP को तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो विदाउट कंप्यूटर वगैरह के, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।